हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है कुछ लोगों की। लाइव क्लास में बात करेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने ये बात किया था, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इंपॉर्टेंट है, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। And that induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. Means अगर magnetic flux fast change होगा तो induced EMF ज्यादा होगा, induced current ज्यादा होगा। नहीं, उसके फिर हमें पता था Faraday's law, according to Faraday's law E equal to minus dphi by dt, and फिर हमें डिटेल में इसका कहते Lenz law, according to Lenz law direction of induced current will always oppose the cause of induction, means induced current direction ऐसा होगा कि उसका जो cause, जैसे कहूं induce हो रहा है, उसको oppose करेगा। बहुत question किए थे, इतना question एक साथ किसी source में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा recap करके बस आगे बढ़ते हैं। आज एक दो questions करते हैं Lenz law पे, just for recap. Let's assume this circuit. ये सर्किट, यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे एक लेस कंडक्टिंग लूप। अब हमने स्विच को क्लोज किया। अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? तो अगर हम जो ही स्विच को क्लोज करेंगे इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इसके कारण अंदर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। और जब करंट फ्लो किया, मीन जिसने स्विच क्लोज किए, ये जो मेरा आई है, दिस आई विल इंक्रीज। पहले करंट जीरो था, स्विच क्लोज करते ही इसमें करंट फ्लो करेगा, मीन्स यहां पे आई का वैल्यू जीरो से कुछ फाइंड वैल्यू हुआ। सो आई इंक्रीज किया, आई इंक्रीज करने से क्या होगा? इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा यार। अरे यहां पे चलो मान लिया रेजिस्टेंस। So, ये इंक्रीज करने से यहां पे आई इंक्रीज किया, मींस इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया और इसके कारण फील्ड किधर है? इनवर्ड। सो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करना चाहेगा, तो उसके कारण फील्ड होना चाहिए बाहर। सो डो 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 ऐसा। एम आई क्लियर? इसके थ्रू फ्लक्स इसके कारण किधर है? फील्ड इसके इनवर्ड। अब ये चाहेगा कि इसके अंदर जो फ्लक्स है उसको डिक्रीज करे, सो फील्ड देगा बाहर की तरफ। सो ये मोमेंटरी होगा, राइट? जिस समय इसमें करंट बिल्डअप हो गया, और एक बार जब करंट बिल्डअप हो गया, अब करंट कांस्टेंट है, उसके थ्रू कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, सो इंड्यूस करंट नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, ये नहीं एक बार आया इसमें स्विच क्लोज कर दिया, इसमें करंट फ्लो कर देगा, मजा आ जाए। ये जिस समय इसमें करंट सेटअप हुआ, उस समय करंट फ्लो किया, दैट्स इट। नाउ करंट बिकम्स कांस्टेंट, फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट, नो इंड्यूस करंट। अब फिर से अगर हम स्विच को ओपन करते हैं, अगर हम इसी केस में इफ स्विच इज ओपेंड, और हमने स्विच को ओपन किया, मींस हम इस करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मींस हम अंदर वाले फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहेगा, और उस केस में करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। एम आई क्लियर? सो ये कब करंट फ्लो किया? जिसमें सिर्फ स्विच को ओपन किया, क्लोज किया। अगर स्विच क्लोज रह गया तो उसमें करंट कांस्टेंट हो गया, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, सो नो चेंज इन फ्लक्स, सो नो इंड्यूस करंट। एम आई क्लियर? ओके, एक और करते हैं, लूप मैग्नेट अलग कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव अ कंडक्टिंग लूप लाइक दिस, दिस 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 दिस, और एक मैग्नेट को यहां से ड्रॉप करते हैं। मैग्नेट हैव बीन ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। सो अब बताओ, अगर मैग्नेट ड्रॉप किए तो इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? बहुत किए हैं, कल ऐसा किए थे ना पिछले क्लास में, कि यहां पे कॉज क्या है? मैग्नेट का पास आना, उसको वो रिपेल करना चाहेगा, दूर भेजना चाहेगा, ये खुद कैसा मैग्नेट बनेगा, इसको रिपेल करेगा, मीन्स ये नॉर्थ ये साउथ, मीन्स इंड्यूस करंट ऐसा होगा, राइट? तब मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरह का इंड्यूस करंट होगा। अब इसका एक्सलेशन क्या होगा? फ्री फॉल। ए इसका जो अगर हम पूछे एक्सलेशन ऑफ मैग्नेट,
ए विल बी इक्वल टू जी, ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन जी, क्या होगा? व्हेन ए इज एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, तुमने यहां से ड्रॉ किया, क्या होगा? सिंपल, स्पेक लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, सो नेट फोर्स एम जी से कम होगा, सो ए विल बी लेस देन जी। अब मानते हैं मैग्नेट इसको क्रॉस कर गया, मैग्नेट अब ऐसा है इस पोजिशन में, चलो अब मानते हैं मैग्नेट यहां आ गया, फिर से फिगर बना देता, मैग्नेट यहां आ गया, क्रॉस कर गया, ऐसी कंडीशन। अब बताओ इसका ए क्या होगा, मोर देन जी, लेस देन जी, इक्वल टू जी, अब क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा पैरेट, अब क्या होगा इसको क्रॉस करके नीचे आ गया है, मोर देन जी, इक्वल टू जी, लेस देन जी, अरे यार गलती क्यों कर रहा है, इसमें क्या सोचना है, यहां पे कॉज है मैग्नेट का दूर जाना, उसको अपने पास खींचेगा, कितनी बार भाग चुके हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना ही नहीं इस केसेस से, क्वेश्चंस में अट्रैक्शन रिपल्सन में आपको सोचने करंट कैसे फ्लो, आपको सिंपल सोचना है कि कॉज अगर दूर जाना है तो पास खींचेगा, कॉज है पास आना तो दूर भेजेगा, तो यहाँ पे कॉज है इस मैग्नेट का, इससे दूर जाना है, इसको पास खींचेगा, मीन्स इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली फोर्स ऊपर तरफ लग गया, ए विल बी लेस देन जी, नीचे एम जी, ऊपर अट्रैक्शन फोर्स, ए लेस देन जी होगा, अगर आपको पूछे करंट का डायरेक्शन तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यहीं से हम सब कुछ कर सकते हैं, अट्रैक्ट करेगा मीन्स ऐसा मैग्नेट बनेगा, राइट, तभी नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन होगा, और ऐसा मैग्नेट बना मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से है, मीन्स यहां पे करंट बाहर आया लाइक दिस, वो तो गया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सो हो गया। अभी लेंस लॉ पे मैंने काफी क्वेश्चन करा दिया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है, इसे में दे दे, चलो होमवर्क है आपका, एक लॉन्ग कॉपर ट्यूब है, लॉन्ग कॉपर ट्यूब, we have a long copper tube and magnetic rod from the top like this, then question is this magnet will accelerate, the velocity of magnet will increase continuously, the velocity of magnet will first in velocity of magnet first increases then decreases, option C, velocity of magnet first increases then remains constant, option D, velocity of magnet continuously decreases, kya hoga? A magnet has been dropped and there is a large copper tube below the magnet. So, then question is, what is the velocity of magnet? I have given the option, homework, you have to think. This is a side note question, so I will not do it here. Okay. Now, let's go. Now, let's talk about Faraday's law. I have talked about Faraday's law, but I forgot Faraday's law. उन पे भी बात करते हैं, मैनेजर भी चाहिए, सो अब आज इसी को पढ़ेंगे, आज बस इस पे क्वेश्चंस करेंगे, सो फैराडे लॉ क्या था, हम लोग बात कर चुके हैं, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, हियर E फॉर डायरेक्शन, आपको ध्यान रखना है, सो हम जो मैक्सिमम यूज करेंगे हम ये यूज करेंगे, एक्सेप्ट ग्राफ हमेशा यही यूज करेंगे, सिर्फ ग्राफ में विथ माइनस साइन ध्यान देंगे, क्योंकि वहां पे स्लोप दिखाना होता है पॉजिटिव निगेटिव, अदरवाइज वी यूज मॉड E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और डायरेक्शन में क्या यूज करेंगे, लेंस लॉ ऑलवेज, सो अगर आपको फाइव पता है तब आराम से ई निकाल सकते हो, जब ई निकल जाएगा सो आई क्या होगा, ई बाय आर, मैग्नीट्यूड हम सब हर जगह मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो वन बाय आर डी फाइव बाय डी टी, फिर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ लूप जिसमें हमको करंट निकाल, अगर हमको उसके क्रॉस ईएमएफ मालूम है तो करंट को निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस अगर मालूम हो तो। अब एक और चीज पूछा जाता है कि किसी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, मान आपके पास एक लूप है, ठीक है, और यहां पे टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो किया, लेट्स अज्यूम करंट फ्लो किया, यही करेगा। अब हम एक कोई पॉइंट पकड़े, इससे कोई इंटरवल डेल्टा टी में इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, सो आपको पता है कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज वन बाय आर डी फाइव बाई डी टी, सो इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी क्या होगा, दैट विल बी वन बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, राइट, सो
दैट विल बी 1 बाय आर डेल्टा फाई. और ये क्या है? क्यू, चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन इंटरवल. चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन इंटरवल. ये बहुत पूछा जाता है. सो अब आपको कुछ लोग करते हैं कि आई निकाले क्योंकि डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं. जब भी पूछेगा किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, सो सिंपल डेल्टा फाइव बाय आर. किसी इंटरवल में पूछेगा, जब भी बात करेगा चार्ज फ्लो की, तो पूछेगा किसी गिवन इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया. सो जब इंटरवल दिया हुआ है, आपको टी आई और टी एफ मालूम है, आप इनिशियल टाइम पे फ्लक्स निकालो, फाइनल टाइम पे फ्लक्स निकालो, फाइंड डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू दैट पॉइंट. Am I clear? अब बोलेगा इस करंट का कितना हीट लॉस होगा. सो अगर हीट लॉस पूछेगा, इंड्यूस करंट आया तो उसके कारण हीट लॉस, जब करंट आया तो हीट लॉस, दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है आई स्क्वायर आर डी टी. सो ईएमआई वही कंप्लीट हो गया भाई. अगर आपको ये आता है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन कंप्लीट, इसका ये करंट इंडक्शन का सारा कुछ कॉन्सेप्ट है. क्लियर? बस इसलिए मैं सब कुछ थोड़ी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग, सब कुछ करेगा. अब ग्राफ आता है. अगर आपको फाई और टी का ग्राफ दे दिया, सिंपल. चलो कुछ क्या क्या सकता है. अगर आपको फ्लक्स दे दिया फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स दे दिया, तो कैन यू फाइंड ईएमएफ? या अगर टाइम फंक्शन निकालना हो, यूज माइनसिफाइबिलिटी. अगर हमको फंक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, सो माइनसिफाइबिलिटी यह निकल जाएगा. जब यहां से ये निकल जाएगा तो आई निकल जाएगा. अगर एक बार ई निकल गया तो आई निकल जाएगा, आई निकल जाएगा तो और ये हमको क्यू भी निकल जाएगा. क्यू कैसे निकालेंगे? जब फाइव हमको जब फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है तो क्यू होता है डेल्टा फाइव बाय आर, मीन्स फाइव एट टाइम टी टू. मान कैसे इंटरवल में पूछा है टी वन से टी टू में. अब समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या आता है. आपको क्वेश्चन अगर फाइव दिया हुआ है और ये सब में से कुछ ही पूछेगा, हमारे पास क्या क्या टर्म है, फ्लक्स, ईएमएफ, आई एन क्यू, यही चार में से कोई आपको एक दिया हुआ है, अंतिम निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑल फोर आर इंटररिलेटेड. फाइव दिया था, ईएमएफ निकल गया, आई निकल गया, क्यू निकल गया. अब फंक्शन का ग्राफ दे दिया. अगर आपको इसी में फाइव फंक्शन ऑफ टाइम देखिए, आपको फाइव की ग्राफ दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, सो ईएमएफ क्या होगा? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ. समझो ये सभी चीजें आसान है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं बहुत स्ट्रेस नहीं डालना. आपको इस चार में से कोई एक दिया रहेगा, आपको और तीन निकालना है. सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की. मैग्नेटिक फ्लक्स आपको टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है फंक्शन, तो हमको पता ही होता है माइनस डिफाइबिलिटी, हम सबके क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको. आई होता है ई वाई आर. अगर आपको स्लोप, अगर ईएमएफ फाइव टी का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ईएमएफ क्या होगा? माइनस ऑफ स्लोप ऑफ फाइव टी ग्राफ. ईएमएफ निकल जाएगा स्लोप से, मान लीजिए ग्राफ दे, लेसर जो मैं ग्राफ दिया हुआ है, यहां से इसका स्लोप का निगेटिव कर देगा ईएमएफ, यहां पे ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव. कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है. एफ निकल गया तो आई निकल जाएगा ई वाई आर से. फिर आगे तो सब कुछ आसान है. अब अगर हमको निकालना है क्यू कितना चार्ज फ्लो किया इंटरवल में, सो इनिशियल फ्लक्स ये है, फाइनल फ्लक्स जीरो है, क्यू विल बी डेल्टा फाइव बाय आर, सब कुछ निकल जाएगा. सो अभी हमको इसे एक क्वेश्चन करते हैं, जरा क्लियर होगा. एक क्वेश्चन करता है, बस वैल्यू पुटिंग, आपको जो हम बताए उसको वैल्यू दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे. लेट्स अज्यूम फाइव इक्वल टू टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी. देन क्वेश्चन इज, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप, हियर फाइव इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप ऑफ रेसिस्टेंस फोर ओम. देन क्वेश्चन इज फाइंड करेंट थ्रू लूप, करेंट फ्लोइंग थ्रू लूप एट टी इक्वल टू टू सेकंड. At t equal to 2 second. Option A.
4 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर, ऑप्शन ई नॉट। यहाँ के पॉइंट करंट हो लो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इन दिस करंट कितना फ्लो करेगा, हो गया E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। सो ये होगा माइनस ऑफ 40, चलो माइनस मान लेते हैं, 40 माइनस 4। अब हमको निकालना करंट एट टी इक्वल टू सेकेंड, उसमें ईएमएफ क्या होगा, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 माइनस 4 माइनस 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट। सो दिस माइनस साइन मींस हम जो मान है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ होगा, जिसको हम पॉजिटिव मान के लिए हुए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ होगा, राइट। ओके सो आई इक्वल टू ई बाई आर, सो इट विल बी 4/4 1 एम्पियर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। एम आई क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके नेक्स्ट। और इसी क्वेश्चन में पूछता, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू लूप इंटरवल 0-2 सेकेंड, एक क्वेश्चन था आपका, फाइव इक्वल टू क्या है 4t² - 4, ये था ना, ये 2t² था। अब क्वेश्चन है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट of loop in interval 0-2 seconds, 0-2 seconds में कितना चार्ज फ्लो करेगा, फटाफट फोर कूलम, रेसिस्टेंस आपको फिर से दिया हुआ है 4 ओम, रेसिस्टेंस फिर से सेम है 8 कूलम, 2 कूलम, 1 कूलम, नोट। किसी पॉइंट से व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और कब मैं वो कर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ लूप इन इंटरवल 0-2 सेकेंड, किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया। सो आपको मैं अब भी बताया कि जब भी आपको चार्ज फ्लो निकालना है वो क्या होगा, डेल फाइव आई आर, जैसे 2 सेकेंड मीन्स 5/2 मीन्स 5/0 बाय रेसिस्टेंस, फ्लक्स एट टी इक्वल टू 2, 4 × 2, 8 - 4, 4 एट 0 - 4, राइट, डिवाइड बाय रेसिस्टेंस 4 ओम, दैट इज 8/4 कूलम, इट्स 2 कूलम, एम आई क्लियर। सो निकाल लेना चार्ज फ्लो भी। सो ये हमने जो फाई और टी का फंक्शन दिया, आप सेम थिंग ग्राफ से भी कर सकते हैं, टाइम पास है, राइट। अगर आपको फाइव टी का ग्राफ दिया हुआ है, मान ली कुछ ऐसा है फाइव टी का ग्राफ, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, तो सिंपल इसका स्लोप का निकले, तो स्लोप कितना है इसका, -4, सो ई क्या होगा 4 वोल्ट। तो अगर आपको सिर्फ रिलेशन पता है कुछ भी कर सकते हो, राइट। ये हमने फाइव टी दिया, अब मान ली कि आपको सिंपल क्यू टी दे दिया है, एक क्वेश्चन स्लो हमें ऐसा देता है, ये हमने ग्राफ दे दिया इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, अब समझो फिर आई टी ग्राफ, फिर इट्स 8 एम्पियर एंड 2 सेकेंड फॉर अ लूप हैविंग रेसिस्टेंस 6 ओम, देन क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन फ्लक्स थ्रू लूप
इन इंटरवल 0 to 2 seconds आई हैव गिवन इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं सब कुछ लिखा नहीं हूं, आप समझो क्वेश्चंस को. आई हैव गिवन इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ लूप हैविंग रेजिस्टेंस 6 ohm. इतना गंदा हम लिखते हैं फिर गंदा ही होगा, कोशिश करते हैं. फॉर अ लूप हैविंग रेजिस्टेंस 6 ohm, देन फाइंड चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इन इंटरवल 0 seconds to 2 seconds. इन इंटरवल 0 seconds to 2 seconds. ऑप्शन ए. Weber. ऑप्शन बी 96 Weber. ऑप्शन सी 12 Weber. ऑप्शन डी 8 Weber. ऑप्शन ई नॉट. लेट मी फाइंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप. आसान क्वेश्चन है. देखो जब भी अब हम कैसे क्रैक करेंगे क्वेश्चन को आ गया. सो हमको पूछा है फाई और दिया हुआ है आई टी ग्राफ, हम कैसे रिलेट करेंगे. तो फाई और आई का रिलेशन हमको हमको कैसे डायरेक्ट मिलता है कि क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर है, ये हमको पता है. अगर हमको किसी तरह क्यू का मिल जाए वैल्यू तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू आर. एंड वी नो एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट, इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू 8 into 2 That is 8 and R is 6, this much Weber, 48. Am I clear? Okay, next. So, ये हो गया बेसिक जो relations है. अब आपको कुछ भी दे दिया, अगर IT दिया हुआ है तो IT ग्राफ के एरिया से Q मिल जाएगा, Q मिल जाएगा तो Q into R delta phi मिल जाएगा. So, अगर आपको IT ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से आप phi भी प्लॉट कर सकते हो. अगर देखो हम लोग पढ़े थे ना इसमें काइनेमेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. सो अगर मान लिया आपको आईटी दिया हुआ है यहां से सारा ग्राफ प्लॉट करना, कर सकते हो क्या? रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जब आपको आईटी दिया हुआ है सो ई इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर. मीन्स इस ग्राफ में आर से मल्टीप्लाई करके हम ई आर ग्राफ प्लॉट, ई टी ग्राफ प्लॉट करें. जब ई टी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा सो हमको पता है ई इक्वल टू -d5/dt है. मीन्स जस्ट लाइक दूसरी टाइम ग्राफ से हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. आप ET ग्राफ से φT ग्राफ में जा सकते हो, आपको VT से डिस्प्लेसमेंट टाइम आता है, आपको काइनेटिक्स में बहुत पढ़ाए हैं, वही चीज तो है. क्या था आपको पता? V इक्वल टू ds/dt, बस माइनस साइन है. जब आपको यहां से यहां जाना आता है यहां से यहां तो जा ही सकते हो, तो खुद तो गया. IT ग्राफ से आप हम ये निकाल सकते हैं, ये ET ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ET ग्राफ प्लॉट हो जाएगा φT ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. और आई टी ग्राफ से क्यू टी करने तो आता ही है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जस्ट लाइक दिस. नहीं सो ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, समझ में आया कि नहीं? हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से कॉम्बिनेशन उतना डिटेल में पढ़ते हैं कि वो हर जगह यूज कर सकते हैं. एम आई क्लियर? ओके. सो आप ग्राफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फंक्शन भी डिफरेंट ले सकते हो. अब मैं वो आपको क्वेश्चन सब असाइनमेंट में मिलते रहेगा, आगे बढ़ते हैं. अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं. लेट्स अज्यूम वी हैव अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए व्हिच केप्ट इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी स्क्वायर. Then question is, find EMF induced in loop at t equal to 2 seconds. ये question है.
फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन दें। हम हर जगह मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डेसिमल को देखना आता है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। हो गया सिंपल। अब फ्लक्स निकालना बस आता है, तो उसको बस डिफरेंशिएट करना है। फ्लक्स क्या होगा, हम एरिया मान लिए अंदर, बीवी अंदर, सो बी नॉट टी स्क्वायर ए स्क्वायर। जब फ्लक्स हो गया सो मॉड ई इक्वल टू डी फाइव आई डी टी, सो इसको बस डिफरेंशिएट कर देना है। अब आपको जिस टाइम पे पूछा है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये मैप क्या हो जाएगा, टी टू देंगे 4 बिनोट। इसका जब पूछेगा तब निकाल सकते हैं। सो आपको हम पिछले क्लास में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलवाए थे, जो पार्ट वन था वीडियो का, सब में आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो ना। सो आप कंप्लीट टाइम पास है कि नहीं बोलो। आपको हम फ्लक्स निकलवा चुके हैं, बस डिफ्रेंशिएट करना है, वहां से क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एम आई क्लियर? ओके, निकल गया। अगर इसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, रेसिस्टेंस R है, तो करंट क्या हुआ टाइम टी पे, 2 बिनो टी ए स्क्वायर बाय आर, राइट? देन क्वेश्चन इज, चलो एक और कर लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज गिवन R, रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज R, देन क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू पॉइंट ए इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में यहां से कितना चार्ज, चलिए 1 to 2 कर देते हैं, इन 1 to 2 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड इससे कितना चार्ज फ्लो किया, फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए 4 बिनोट ए स्क्वायर आर, ऑप्शन बी 3 बिनोट ए स्क्वायर आर, ऑप्शन सी 2 बिनोट ए स्क्वायर आर, ऑप्शन डी नोटा। हियर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर लूप, आर क्या है स्क्वायर लूप का रेसिस्टेंस, हो गया ओके। तो चलो अब मैं करता हूं, हमको निकालना क्या चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, फिर क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा फाइव बाय आर, सो दैट विल बी फाइव एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड मींस फाइव एट 1 सेकेंड बाय आर, सब बाय करना। चलो सो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स B इंटू एरिया, बी बी अंदर, एरिया अंदर मान रहे स्क्वायर है, सो इट विल बी टी इक्वल टू 2 सेकेंड मीन्स 2 स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 बिनोट ए स्क्वायर, राइट? एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी बिनोट इंटू 1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज बिनोट ए स्क्वायर। सो व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, 3 बिनोट ए स्क्वायर बाय आर, चार्ज फ्लोन थ्रू। नेक्स्ट फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड
इन लूप एट लूप इन इंटरवल 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। सेम थिंग है, रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी स्क्वायर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर है। अब इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, जो से टू स्क्वायर में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, फटाफट फटाफट मैं भी कर रहा हूं आप भी कीजिए। Find heat produced through loop in interval 0 to 2 second. Option A, B, C, D दिया हुआ है। हो गया। मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेके सारा कुछ जो भी पूछा जा सकता है इस टाइप में मैं आपको करवा रहा हूं। Okay. हमको पूछा हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी होगा ना। सो I क्या हो किसी टाइम पे, I इज EMF by R, so E इज मोर d phi by dt, so फिर से एक बार करते हैं, फ्लक्स होगा बिनो t स्क्वायर इंटू एरिया ए स्क्वायर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बिनो ए स्क्वायर टू टी, सो EMF निकल गया, सो I इज E by R, टू बिनो ए स्क्वायर t by R. So that will be I square R dt. So I square that will be 4 B naught square A 4 by R square means एक R नीचे बचेगा 4 B naught square A 4 this dt from t 0 to 2. So यहां से क्या आ गया 4 B naught square A 4 by R. इंटीग्रेशन ऑफ फिर छोड़े टी स्क्वायर 4 बी नॉट स्क्वायर ए 4 टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का आंसर सही लग रहा है अभी। सो दिस टी स्क्वायर डी टी दैट विल बी इक्वल टू टी क्यू बाय 3 8 बाय 3 सो 32 आपको सिंपल इंटीग्रेशन आता है बाय राइट टी क्यू बाई थ्री 8 बाई 3 दिख रहा है 8 इंटू 4 बाई 3 8 बाई 3 इंटू 4 32 बाई 3 बस तो उससे मैं चेक करना मेथड बिल्कुल सही है। कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो अब ये कंप्लीट टाइम पास है, हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, जितना भी फ्लक्स निकाले सबको डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे एक और कर लेते हैं आसान सा, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे एक छोटा सा स्क्वायर रखा हुआ है, इसका साइड ए है, इसका रेडियस बी है, बी इज मच मच ग्रेटर देन ए, इसमें करंट है आई नॉट टी स्क्वायर, ये कितना करंट है आई नॉट टी स्क्वायर, देन क्वेश्चन इज फाइंड EMF induced in a square loop. ये क्वेश्चन है। Find EMF induced in a square loop. करो 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 करो। इस फंक्शन ऑफ टाइम पूछे हैं।
part of it. You have to find EMF induced in a square loop as a function of time. टाइम के साथ ईएमएफ इंड्यूस्ड स्क्वायर लूप में क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, फटाफट कीजिए। हो गया, ओके। क्या होगा बोलो, हमें निकालना है ईएमएफ, सो डी फाइव बाई डीटी। सो हम पहले फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि बहुत छोटा है तो हम मान सकते हैं जो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे स्क्वायर में। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रेडियस इसका बहुत बड़ा है। सो मी नोट मैग्नेटिक फील्ड मी नोट आई नोट मी नोट आई बाई टू बी, सो मी नोट आई नोट टी स्क्वायर बाई टू बी दिस इंटू ए स्क्वायर। सो ई एम एफ का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है सो दैट विल बी डी फाइव बाई डी टी। सो डिफ्रेंशिएट दिस, सो म्यू नोट आई नोट ए स्क्वायर बाई टू बी इन टू टू टी, टू वॉट कैंसल, इट्स म्यू नोट आई नोट ए स्क्वायर टी बाई बी। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट। लेट्स एज्यूम इन अ रीजन this uniform magnetic field 0.2 tesla, b constant hai, and we have a circle. Somehow radius of circle decreases with rate 1 centimeter per second, means mera magnetic field constant hai बट सर्कल का रेडियस डिक्रीज कर रहा है। थोड़ा फास्ट नहीं दे दिए इसको, ये कर लेते हैं 1 mm पर सेकंड। देन क्वेश्चन इज फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप व्हेन इट्स रेडियस इज 2 cm। So, मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 0.2 टेस्ला, उस सर्कल जो है श्रिंक कर रहा है। सो आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन इट्स रेडियस इज 2 cm। फटाफट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2.5 माइक्रोवोल्ट अप्रोक्स आएगा, ऑप्शन बी 0.25 माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन सी 25 माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन डी 250 माइक्रोवोल्ट। आपको पता है बस प्रॉपर ही डालना है, आंसर आएगा, अप्रोक्स आएगा थोड़ा सा। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी, सो बस फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इज बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सो डी बाई डी टी ऑफ दिस। अब बी कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, यहां पे रेडियस चेंज कर रहा है, इट विल बी 2r dr बाई डी टी। एम आई क्लियर? यहां क्या चेंज कर रहा है, रेडियस b कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया पाई, इट्स ऑफ r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r dr बाई डी टी। अब b कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू पाई इंटू टू रेडियस। अब e रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बट हमने कब पूछा है, जब रेडियस 2 cm है, मीन्स 2 × 10⁻², एंड डी आर आई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 10⁻³, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट, सो इट इज 2 × 2, 4 × 3.14 × 0.2, सो 4 × 0.2 0.8 इंटू दिस, ये क्या है 0.8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 8 × 3.14 माइक्रोवोल्ट। एम आई क्लियर? रे यार यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किए 10⁻⁶ हो गया, ये क्या हो गया 8 × 10⁻⁰ 10⁻⁶ हो गया, सो ये अप्रोक्स 25 है, अप्रोक्स 25 जो ऑप्शन दिया उसे छाट लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो अभी इसके पहले आपको देखते सब में बी चेंज कर रहा था, अब हम आपको बी कॉन्स्टेंट करके एरिया चेंज करवा दिए, ठीक है। एक और करते हैं, लेट्स अज्यूम स्क्वायर लूप हैविंग टोटल लेंथ एल, टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर लूप इज एल, टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर लूप इज एल, इट्स मेड अप ऑफ वायर हैविंग रेडियस ए एंड रेसिस्टिविटी रो। ये जिस वायर से बना हुआ है उस वायर का रेडियस क्या है ए और उसका रेसिस्टिविटी क्या है रो। इफ दिस लूप इज केप्ट इन रीजन हैविंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, हैविंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डीबी बाई डी टी इक्वल टू के, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ट एवरीथिंग असाइनमेंट, एवरीथिंग इज इन असाइनमेंट, सो डीबी बाई डी टी क्या है के, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज के टेस्ला पर सेकंड, लेट्स अज्यूम डीबी बाई डी टी इज के, देन क्वेश्चन इज फाइंड induced current flowing through loop, question clear है। इस region में यहां पे जो भी magnetic field है वो time के साथ change कर रहा है with constant rate, something is a rate of change of flux with time is k, divided it is k, then you have to find induced current in the loop, ऑप्शन ए रो के एल क्यू बाय 16 पाई ए स्क्वायर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी, यू हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, पूरे लूप का लेंथ एल है, जिस वायर से बना उस वायर का रेडियस ए है और रेसिस्टिविटी रो है, हो गया। देखो हमें अब करंट निकालना है, करंट होगा ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस दैट इज इंड्यूस करंट, सो ईएमएफ हमको निकालना आता है, ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे एरिया कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, सो ई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाइव, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी एरिया इन टू डी वी बाई डी टी, सो एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, जान मार देंगे एल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका टोटल लेंथ एल है, सो साइड होगा एल बाय फोर, सो एल बाय फोर स्क्वायर इन टू के, दैट इज के एल स्क्वायर बाय 16, नहीं कब तक मीटर एल दिया हुआ ना, साइड होगा एल बाय फोर, सो ए स्क्वायर मीन्स एल एस बाय फोर स्क्वायर, सो ए एफ निकल गया। अब रेसिस्टेंस क्या होगा इस वायर का, रो इन टू इट्स लेंथ, लेंथ इज टोटल एल बाय एरिया, एरिया विल बी पाई ए स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है वायर का ए, सडनली पाई ए स्क्वायर, एम आई क्लियर, ओके, सो आई इक्वल टू ई बाय आर, सो इट्स अ के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय रो एल बाय पाई स्क्वायर, ये ना कोई दिक्कत नहीं ना, क्या आएगा यहां से, हम क्या गलती कर दी है, पूरा डायमेंशन गलत कर दिया कैलकुलेशन में, चल हम तो गलती कर दिए, ई बाई आर गलती कर दी,
बहुत गलती करा कैलकुलेशन में, क्या होगा कि एल स्क्वायर बाय 16 इनटू पाई ए स्क्वायर बाय रो एल, सो वन एल गॉट कैंसल, इट विल बी के पाई ए स्क्वायर एल बाय 16 रो, राइट। मैं मिस्टेक अगर खड़ा कैलकुलेशन में, ठीक से देखो, अभी कुछ गलती नहीं किया है ना, ठीक से देखो, ओके ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे हम उसमें गलती कर दिए। नेक्स्ट आंसर होगा नोटा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको मैं डिफरेंट टाइप्स करा रहे हैं, एक और करते हैं। लेट्स एज्यूम अ सोलेनोइड, of radius 2 cm and having 100 turns per cm, a small air, you need to keep it. और अब हमने यहाँ पे रिंग डाल दिया, its radius is 4 cm, it has again 100 turns, means it's 100 turn है यहाँ पे, ठीक है, its total रेसिस्टेंस इज 20 ओम, रेसिस्टेंस इज 20 ओम। नाउ इनिशियली ऐसा क्वेश्चन होता है, इफ इनिशियल करंट इन सोलेनोइड इज 5 एम्पियर, इस तरह से 5 एम्पियर करेंगे, 5 एम्पियर इनिशियल करंट इन सोलेनोइड 5 एम्पियर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। देन क्वेश्चन इज देन फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू any point of ring if current in solenoid is changed to 5 ampere in opposite direction, समझो कि पहले इस तरह से 5 एम्पीयर करंट है, आपने करंट को उल्टा कर दिया, मींस यहां पे क्रॉस हो गया यहां पे डॉट, मींस पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था 5 एम्पीयर, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर, सो इस इंटरवल में कितना किस इस कॉइल इस रिंग के किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 800 माइक्रोकुलम, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आएगा। ऑप्शन सी 400 माइक्रोकुलम, और एक हमेशा मेरा सेफ लाइन मुझे बचाने, ऑप्शन डी नोटा। करंट का मैग्नीट्यूड से हम डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो कितना चार्ज किसी पॉइंट से फ्लो करेगा, हो गया। अब हमें निकालना क्या है, क्यू, आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई आर, तो चेंज इन फ्लक्स, तो पहले निकालते हैं इस रिंग से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, सो फ्लक्स इक्वल टू होता है यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मी नॉट एन आई, एनी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म लेंथ, हम सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे इंटू एरिया, तो एरिया हम क्या लेंगे, लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, सो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, हम एरिया क्या लेंगे, सिर्फ इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर जो एरिया है दैट विल बी पाई इंटू, अगर इसका हम रेडियस मान लेते हैं कुछ ये ए है और ये बी है, वन वैल्यू पुट करेंगे पाई ए स्क्वायर, प्लस यहां पे 100 टर्न्स भी है, ये कुछ कैपिटल एन है ये स्मॉल एन है, सो इंटू एन बाय रेसिस्टेंस, सॉरी फ्लक्स हुआ,
इतना फ्लक्स पास कर। अब पहले अगर मान ले कि इस तरह से फ्लक्स इधर है, हम मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मानते हैं इधर पॉजिटिव है, तो पहले फ्लक्स इतना ही पॉजिटिव है और जब हमने करंट को चेंज कर दिया मीन्स अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, बट अगर एक बार हमने एरिया उधर मान लिया मीन्स सेम फ्लक्स अब निगेटिव हो गया। समझो, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड हमने एरिया इधर मान लिया पॉजिटिव, इधर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, सर फ्लक्स प्लस में आया, ये इनिशियल है। और जब फाइनल हम लोग करेंगे, अगर हम फाइनल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज हो जाएगा। अब फाइनली जब करंट इस तरह का हो गया, अब फाइनल करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज कर गया। यहां पे डॉट हो गया और यहां पे क्रॉस हो गया। सो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, यहां पे आउट है, यहां पे इन है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया का डायरेक्शन हम हमेशा चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अब फ्लक्स उतना ही निगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस। मी नोट करंट सेम रहा मैग्नीट्यूड पाई ए स्क्वायर इंटू एन, सो डेल्टा फाइव का जो मॉड होगा इट विल बी टू म्यू नोट एन आई पाई ए स्क्वायर एन। So, Q divided by R होगा। So, पर इसका वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 म्यू नॉट क्या है? 4 पाई इनटू 10 पावर माइनस 7। जरा मिटाते हैं और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब बस कैलकुलेशन करना है, फिजिक्स हम लोग सीख चुके हैं। So, डेल फाइ इज 2 म्यू नॉट इज दिस यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ, अगर हम सकें असाइनमेंट में तो 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है मींस 10 पावर 4 टर्न्स पर मीटर होगा। आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन असाइनमेंट, आई 5 एम्पियर राइट इनटू पाई ए स्क्वायर, सो इट्स 2 सेंटीमीटर, सो 4 इनटू 10 पावर माइनस 4 स्क्वायर मीटर राइट into number of total turns in loop that is 100, is ring mein turns hai, 100 turns hai, so kitna hai dekho to, pehle dekhte hain ye wala, ye to gaya, this cancel, 4 into 2, 8, into 5, 40, into 4, 160, into pi square, 4 to the 8, 5, 40, 160, theek hai pi square, into 10 power minus 7 into this 10 power minus 5 right, so it's a 1600 into 10 power minus 5 because pi square approx 10, so q equal to this divided by r, so it will be 80 into 10 power minus 5 coulomb, that is same as 800 micro coulomb। Am I clear? Divide by R कर दे, resistance 20 ohm है ना, Q equal to del phi by R, R 20 है, so 1600 into 10 power minus 5 by 20, it's 80, so 800 micro coulomb। समझ गए? Next, नेक्स्ट अब लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कैरिंग कांस्टेंट करंट आई, स्क्वायर लूप इन फ्रंट ऑफ दिस, ये स्क्वायर लूप है साइड एल का है, स्क्वायर लूप। देन क्वेश्चन इज फाइंड रेसिस्टेंस लूप इज आर, आर इज रेसिस्टेंस ऑफ लूप, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ स्क्वायर लूप इफ इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अगर इस लूप को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो
किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करेगा? फटाफट इन्हीं पे पूछा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। मैं भी कर रहा हूं। ठीक से सब दिख रहा है ना? ऑप्शन डी नोटा है, उन्हें दिख रहा है, मैं बोल दिया। ऑप्शन डी क्या है? नॉन ऑफ द एवर। फटाफट फटाफट कीजिए। यू हैव टू फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर लूप। किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया? हो गया ओके। चलो अब मैं करता हूं। अब यहां पे क्या होगा? अगेन चार्ज, बार बार हम चार्ज का क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, हॉट क्वेश्चन है चार्ज। देखो नीट लगातार चार्ज ही पूछता है। एक बार ग्राफ दे दिया, एक बार ये क्वेश्चन दे दिया, क्यू इक्वल टू डेल फाइव बाय आर। सो फिर से वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अगर मान लिया पहले एरिया अंदर मान लिए और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो उस समय फ्लक्स बी डॉट ए बी और एम एंगल जीरो था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब ने लूप को वन से रोटेट कर दिया, तो अब एरिया बाहर आ गया। इसी को समझो, अगर हमने एक बार इसका एरिया मान लिया कि ये अंदर है, एरिया इनवर्ड है और बी भी इनवर्ड है, तो बी और एम एंगल जीरो डिग्री है। अब इसको रोटेट कर दिया 180 से, तो अब बी तो अंदर या एरिया बाहर आ गया, मीन्स अब बी और एम एंगल 180 हो गया। सो अब जो डेल्टा फाई होगा वो क्या हो जाएगा? अगर पहले कुछ फाई था, सो अगर हम मॉड बात करें डेल्टा फाई का, टोटल भी अगर पहले कुछ फाई था माइनस फाई हो गया, सो फाई माइनस माइनस फाई टू फाई। सो हम बस इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं, पिछले क्लास में निकाले थे। सो इनिशियल फ्लक्स में दिक्कत क्या है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, सो हम एक्स पे जाकर एलिमेंट लेते हैं डीएक्स का। पिछले क्लास में इसका फ्लक्स निकलवाया था, राइट? सो डी फाई थ्रू ए स्मॉल रीजन विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इनटू एरिया ऑफ द स्मॉल रीजन एल डीएक्स। So phi will be integration of this. This is mu naught I L by 2 pi dx by x. X is from a to a plus L. So it will be mu naught I L by 2 pi. Hopefully मैं कोई calculation mistake नहीं कर रहा हूँ। ये निकल गया flux। आपने तो आदत खराब कर दिया। क्लास में तो आप लोग हेल्प कर देते थे, यहाँ पे कोई करते नहीं हो, तो calculation गलती करने की आदत हो गई है ना। किसी को भेजो जो मेरा हेल्प करेगा। So, ये फ्लक्स निकल जाएगा, राइट? सही है ना? लग तो रहा है। अब ये फ्लक्स निकल गया, तो चेंज फ्लक्स के बाद ट्वाइस ऑफ दिस। सो डेल्टा फाइ विल बी इक्वल टू मी नोट आई एल बाई पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। सो चार्ज फ्लो थ्रू अ पॉइंट इज डेल्टा फाइ बाई आर, दैट इज मी नोट आई एल बाई पाई आर एल एन ए प्लस एल बाई ए। क्लियर? ओके, और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अच्छा है। इस तरह क्वेश्चन इल्हान ने पूछा और अब एनसीईआरटी में भी ऐसा है तो बोर्ड में पूछ सकता है। एनसीईआरटी में भी दिया होगा। मानते हैं
इन अ रीजन वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम डाटा लेकर करें its length is 2 meter. We have a square loop of side 1 meter. It is moving with constant velocity 100%. Somehow I maintain constant velocity. Somehow I hold on. Kya aapko aise samajh mein aa jayega? We have maintained a constant velocity. ठीक है? ये अंदर जा रहा है. T equal to 0 पे एक condition दिया हुआ है. T equal to 0 पे condition दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से जूम 6 टेस्ला. ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड इसका रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 2 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 2 ओम. देन क्वेश्चन इज प्लॉट फाई वर्सेस टाइम ग्राफ, ई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकेंड. आपको 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में ये सारा ग्राफ प्लॉट करना है, फटाफट कीजिए. तो फाइव टी, ई टी एंड आई टी, आपको ये तीनों ग्राफ प्लॉट करना है फॉर इंटरवल 0 सेकेंड to 3 सेकेंड, फटाफट. हो गया? चलो अब मैं करता हूं. इसको इन करेंगे कितना लगेगा? 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर लेंथ है 1 सेकेंड. सो पल्स से फॉर टी 0 to 1 सेकेंड जब वो इन कर रहा है, जब इन कर रहा है तो मानते किसी बीच के टाइम में, किसी तरह से ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ होगा. अब चूंकि 1 मीटर पर सेकेंड है सो ये कितना इन कर जाएगा टी टाइम में, टी मीटर. अरे वी टी इन करेगा, वेलोसिटी वी है तो टाइम में कितना इन करेगा, 1 into t 1 मीटर, सॉरी टी मीटर. सो ये इतना एरिया इसके अंदर आ गया. सो आफ्टर टाइम टी अंदर कितना एरिया है, ये टी और ये तो 1 है, ये तो पूरा अंदर आया. सो एरिया क्या है, 1 into t, और बी तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू टी दैट इज 60. एम आई क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? अरे 0 से 1 के बीच में मान ले टी सेकेंड में टी मीटर अंदर आएगा, बिकॉज 1 मीटर पर सेकेंड है और ये साइड तो 1 है, रेक्टेंगल हो गया, इसका साइड एक 1 मीटर एक टी मीटर है, ये हो गया 1 into t, प्लस हो गया बी इंटू 1 बी है 6 into t, सो फ्लक्स हो गया 60. ये मैप क्या होगा, -d5/dt दैट इज 6. सो आई क्या होगा, 6/2 -6 -3 एम्पीयर, ई बाय आर. आई का हो गया ई बाय आर. सो हमने 0 से 1 के बीच बात कर लिया. अगर हम बात करते हैं, अब टाइम है मेरा, एक बार ये पूरा अंदर आ गया, कब, 1 सेकेंड में ऐसा हो गया. अब ये जब से यहां तक ऐसा होगा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं है, पूरा अंदर है. सो इसके इस एंड को इस एंड तक यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा 2 मीटर है, ये जब ऐसा हो गया तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. यहां से यहां कितना होगा, अरे 2 सेकेंड में पूरा अंदर आ जाएगा. इस एंड को कहां जाना है, अच्छा सॉरी, ये 1 मीटर आ चुका है, ये कितना बचा, 1 मीटर. सो इसको यहां आना था 1 मीटर. सो 1 सेकेंड और सिंपल बताओ ना, ये पोजीशन से इस पोजीशन में आना है, इस एंड को कितना चलना पड़ा, 2 मीटर. यहां से कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर. तो इस एंड को यहां आना है, मींस टोटल 2 मीटर चलना है, मतलब 2 सेकेंड में ये पूरा, ये जो एंड था, ये मान ली कुछ ABCD है, ABCD, CD इस फेस से इस फेस आने में कितना लगेगा, 2 सेकेंड.
सो अब हम बात कर रहे हैं 1 to 2 सेकेंड के बीच में, टाइम 1 से 2 सेकेंड। तो इसमें पूरा अंदर आ चुका है तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, एरिया पूरा 1 मीटर हो जाएगा, 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। सो बी इंटू 1 स्क्वायर मीटर इज 6। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 1 रखो, कंटिन्यूटी ग्राफ में ऐसा ही है, यहाँ पे भी टी इक्वल टू 1 पे आ रहा है 6, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में हमेशा कंटिन्यूस क्या रहेगा 6, तो क्या 6। फाई कांस्टेंट है, एमएफ 0 होगा, आई 0 होगा। अब बात करते हैं जब टाइम 2 से बड़ा है और पूरा बाहर में कितना लगेगा, 1 सेकंड एक्स्ट्रा और 3 सेकंड तक। अब ये यहां से बाहर आ रहा है, मींस कुछ ऐसा। अब यहां के बाद ये बाहर निकला, अगर मैं स्टार्टिंग से देखे हुए टी टाइम है तो 2 सेकंड तक तो यहां पे था, तो चला कितना टाइम तक, टी माइनस टू टाइम तक, समझो आपको पहले भी करवा चुका हूं। पूरा इनिशियल से टाइम टी है तो 2 सेकंड तक तो ये यहां से यहां ही पहुंचा, 2 सेकंड में ये वाला कंडीशन बना, तो उसके बाद कितना देर लिया बाहर लेने में, टी माइनस टू टाइम। इनिशियल 0 से लेकर टोटल टाइम टी है अप टू 2 सेकंड तक, वो इस पोजिशन तक आया ये वाला पॉइंट, ये सीडी। अब भी अगर हम देखेंगे तो 2 सेकंड तक तो यहीं पे आया, इसको एक्स्ट्रा टाइम बाहर में कितना मिला, टी माइनस टू। सो अब ये पार्ट मेरा बाहर है तो इसका, अब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस एरिया से है, इस एरिया से, राइट, इसे फ्लक्स पास कर रहा है। सो ये कितना होगा, 1 माइनस टी माइनस टू, और ये तो 1 है। सो नाउ फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू 1 इंटू 1 माइनस टी माइनस टू, एट इज 3 माइनस टी, सो 6 इंटू 3 माइनस टी। तो वन टी इक्वल टू प्लस 0 हो जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, सब कुछ सही है। टी इक्वल टू 2 पे देखो, टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 3 6 6 तो आता है, 3 माइनस टू रखो 1, तो 6, यहां भी 6 है, टी इक्वल टू देखो इक्वल साइन यहां पे 2 है, मतलब सब कुछ सही है मेरा। सो फ्लक्स ये हो गया, राइट, EMF मैं डिफरेंटिटी, तो इसका दैट इज 80 माइनस 60, सो यहां विल बी 6 का मैन डिफरेंटिटी है। आई अगेन ई बाय आर 6/2 3। देखो माइनस से प्लस करेंगे डायरेक्शन चेंज करेगा, अगर हम देखेंगे तो इस केस में जब इन करेगा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट होगा ऑन भी, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि इस समय करंट होगा एंटी क्लॉक वाइज, फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, और जब ये बाहर आएगा तो इसका फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है उसको इंक्रीज करना चाहेगा, सो करंट विल बी इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन चेंज करके। इसलिए यहां पे देखो माइनस साइन, यहां से क्या फायदा होगा, यहां माइनस 3 एम्पीयर, यहां प्लस 3 एम्पीयर। अब हम प्लॉट करते हैं फाइव वर्सेस टी, इसको मिटा रहे हैं, आप सब कुछ समझ गए हो, इसको मिटाते हैं। हम प्लॉट करते हैं फाइव टी ग्राफ, टी इक्वल टू 0 60 है, चूंकि टी से 0 से मतलब टी इक्वल टू 0 पे प्लस क्या होगा 0, सो ग्राफ है y इक्वल टू mx टाइम 60, ये हो गया t इक्वल टू 1 पे 6 t इक्वल टू 1 पे, 1 से 2 तक 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसके पे क्या हो गया 18 माइनस 60, में स्लोप नेगेटिव हो गया, और t इक्वल टू 3 पे 0 हो गया दिख रहा है, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। अगर ये हो गया हम तो ग्राफ से हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है, इसका नेगेटिव स्लोप क्या देगा, नेगेटिव स्लोप क्या देगा, सो यहां पे स्लोप पॉजिटिव, सो ईएमएफ नेगेटिव, यहां स्लोप 0, यहां स्लोप नेगेटिव, सो ईएमएफ पॉजिटिव। कितना कितना है यहां पे, -6 वोल्ट, यहां 0 इट्स 6 वोल्ट। I simply E by R, E by R, so पहले -3 एम्पियर, फिर
जीरो एम्पियर। उसके बाद प्लस थ्री कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, मुझे एक डाउट है। जब हमने लिखा 5 = 60 हम क्या माने कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और जब ये इन कर रहा है हमने एरिया भी अंदर माना, तब तो बी और ए में एंगल जीरो है। तो हमने कर दिया सिंपली बी इंटू ए, सो बी है 6, एरिया है टी, कॉस 0 = 60। अगर कोई बोलेगा नहीं हम ये क्यों माने, हम एरिया को बाहर मान ले, कोई ये मान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिया है, पर अगर एरिया को बाहर मान लेगा तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो पूरा ग्राफ ही उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स कंप्लीट ग्राफ चेंज कर देगा, राइट। अगर कोई एरिया को ये बाहर मान ले तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? -60। मैं अब चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर एरिया बाहर मान ले तो होगा -60, होगा +6, होगा +3, यहां पे हो जाएगा फ्लक्स -6, ये 0 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा -80 + 60, सो इट विल बी -6 बिकॉज -5 = -3 एम्पीयर। सो कंप्लीट चेंज हो गया। ये हमने पहले बनाया था जब हम एरिया को अंदर पॉजिटिव माने, और एरिया को हम बाहर पॉजिटिव माने तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ये कर रहा हूं, ये कैसा हो जाएगा? इसको हम मिटा रहे हैं। अब जो है ये पूरा ऐसा हो जाएगा। अगर हम एरिया बाहर माने एरिया आउटवर्ड, अगर हम ये माने तो इस केस में देखो ये -60 है, मींस ऐसा यहां पे हो गया -6 वेवर, फिर ये कांस्टेंट और यहां से फिर ये, तो देखो यहां पे स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। ऐसा हो जाएगा, सो कंप्लीट ग्राफ उल्टा हो गया। अब कौन प्लॉट करेगा? ये तो आपको ऑप्शन छांटना, दोनों नहीं देगा। अगर देगा तो क्या, अच्छे एग्जाम में अगर देगा, आईआईटी देता है तो वहां पे वो क्या करता है, या तो को बोल रहा है किधर लेना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसी क्वेश्चन में बोल लेंगे प्लॉट एवरीथिंग सब कुछ सेम रहा, इफ वी एज्यूम क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव करंट, ये क्वेश्चन मैंने दिया। मतलब हमने जो कुछ दिया था वही दिया, हमने एरिया किधर दिया वो नहीं दिया, एरिया किधर लेना है मैंने आपको दिया, या तो प्लॉट फाइ टी ई टी आई टी एज्यूमिंग क्लॉक वाइज एज पॉजिटिव करंट, ये आपको हम बस दे दिए। क्वेश्चन क्लियर है? आपको हम प्लॉट करने दिए बट किधर एरिया माना वो नहीं देखे, आपको ये दे दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि जब वो इन करेगा उस समय करंट किधर फ्लो करेगा। लेंथ वाला अप्लाई करते हैं, जब इन करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको डिक्रीज करना चाहेगा, सही है, काउंटर पूरा मार्च। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, मींस अभी मेरा करंट होना चाहिए नेगेटिव, बिकॉज करंट मेरा काउंटर क्लॉकवाइज है। अब कौन सा लें? अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम कौन सा लें? इसमें पहले करंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें इसका स्लोप पॉजिटिव है, मीन्स ईएमएफ क्या है? नेगेटिव। मीन्स करंट क्या है? नेगेटिव, आपको मेरा आया भी था। और इसमें क्या है? स्लोप नेगेटिव, राइट। सो ईएमएफ क्या होगा? माइनस ऑफ स्लोप, पॉजिटिव। सो करंट क्या हो गया? पॉजिटिव। अब कौन सा ग्राफ हम लेंगे? अब हमको पता है कि मेरे ग्राफ में इनिशियली जब वो 0 से 1 है मेरा करंट पॉजिटिव दिखना चाहिए, वो किसमें दिखेगा? सॉरी नेगेटिव, मैं फिर से बोलता हूं। अब हमें पता है कि 0 से 1 में मेरा करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है मीन्स मेरा करंट नेगेटिव होना चाहिए, वो किसमें है? इसमें है। मीन्स हमको अब यही ग्राफ प्लॉट करना है, ये नहीं करना है, डिपेंड करता है। अगर यहां रहता है इफ अगेन प्लॉट ET, Phi T, I T एज्यूमिंग काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव करंट, तो ये ग्राफ बनाते हैं।
बिकॉज जिस समय इन कर रहा है उस समय करंट क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स वो पॉजिटिव करंट है। सो इसमें पॉजिटिव करंट हमको दिख रहा है, इसलिए स्लोप नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं बात किया है सो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर एरिया दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आईआईटी ऐसा ही देता है, पहले पूछ चुका है तो आपको दे देगा किस करंट को पॉजिटिव मानना है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ देख लेना है। तो दिमाग लगा लेना है कि इनिशियली लेंस लॉ से करंट क्या है, किधर जा रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर? ओके, टाइम कितना हुआ है? काफी टाइम हो गया। अब मैं आपको दो होमवर्क देता हूं, हेडलॉ हमने कंप्लीट कर लिया है, अब अगली क्लास से पढ़ेंगे इमोशनल ईएमएफ। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा, उसी वो खत्म होते ही बस ये टॉपिक खत्म हो जाता है। होमवर्क आप तो करते नहीं हो होमवर्क, बस मेरा धर्म है देना, दे देता हूं। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है ठीक है, वो अभी इनिशियली ऐसा है, और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। ठीक, इसके सेंट, इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं ए है, रेसिस्टेंस आर है, इसके और इसको ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इधर पूरा फैला हुआ है, इसके इधर भी पूरा फैला हुआ है सेम इनफाइनाइट डिवीजन में। ठीक है, इधर पूरा फैला हुआ है सेम इनफाइनाइट डिवीजन में। अब इसको हमने ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट किया, देन यू हैव टू प्लॉट ए मैग्नेटिक फील्ड अगर बी नॉट है, I वर्सेस T, चलो आई की प्लॉट करना है, I वर्सेस T, क्लियर है? मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं, अगर मान लिया T टाइम इसको रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, मान लिया इसको हम रोटेट किए T टाइम में लाइक दिस, अबाउट O, इसके बाद रोटेट कर रहे हैं, तो इसका इसके अंदर कितना आया एरिया, ये वाला एरिया, अगर ये एंगल हमने थीटा रोटेट किया तो इसका इसके अंदर एरिया निकल जाएगा बाहर, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, सिर्फ यही एरिया इसके अंदर है, इससे पूरा बाहर था। सो थीटा अगर रोटेट किया, एरिया क्या होगा इसका, पूरा थीटा बाय पाई इंटू पाई आर ए ए स्क्वायर बाय टू, यही ना। अगर ओमेगा, अगर हम बात करें थीटा रेडियन की, तो थीटा रेडियन आया है, अरे पाई रेडियन में पाई स्क्वायर बाई टू है, इसमें कितना होगा, आपको सेक्टर का एरिया निकालना आता है ना, हाँ या नहीं, या थीटा बाई टू पाई इंटू पाई स्क्वायर बहुत बराबर है, सो ये आएगा, अगर थीटा है ओमेगा टी, सो मेरा ओमेगा टी ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा हिंट ही कर दिया, अब अगर आपने ये निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, तो फ्लक्स निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा तो ईएमएफ निकल जाएगा, डी फाइव आई डी टी ईएमएफ निकल जाएगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो आई निकल जाएगा, कोई दिक्कत, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हो जाएगा पक्का, ओके देश। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान और रखना है, ये कब तक अंदर आएगा, जब तक ये पाई रोटेगा, फिर ये बाहर ना शुरू करेगा, आपको देखना है कि जब तक ये इन करेगा करंट फ्लक्स बढ़ रहा है, मींस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसको अपोज करेगा लाइक दिस, जब ये पाई पूरा रोटेट करके अंदर पूरा आ गया फिर ये बाहर आएगा तो करंट उल्टा हो जाएगा, तो आपको देख लेना है, आप ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको प्लॉट करना आई वर्सेस टी, आपको बता ही दिया, कुछ छोड़ा नहीं, नेक्स्ट मान लेते हैं फिर से ऐसा दिया हुआ है जो हम लोग किए थे,
एवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन. पूरा मैंने दे रहा हूँ यूनिफॉर्म. अरे यार कितना टाइम है इसमें. जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिनोट द राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल 1 meter, 1 meter. It's moving with 1 meter per second. This width is 2 meter. ठीक है. Assume clockwise current as positive current. Assume clockwise current as positive, then plot. ET, 5T, and IT. Resistance of loop is 2 ohm. This B naught is 8 Tesla. You have to plot ET, means EMF time graph, flux time graph, and current time graph. Ye aapko plot karna hai. ठीक है. इसको आप लोग कर लेना, लैब क्लास में डिस्कस कर लेंगे. और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ. ठीक है. ओके बाय बाय, टेक केयर.